यहां राजस्थान के एक संत हुए हैं दरियाब जी महाराज, रैण पीठ जिनकी है, रैण पीठ। और एक विशेष बात हम आपको कहें, रैण पीठ के जो दरियाब जी महाराज हैं उनका भी मूल स्थान यही है। ये रैण पीठ भी अग्रपीठ रेवासा से ही निर्गत है। रामस्नेही परंपरा की दो पीठें हैं, शाहपुरा वाली पीठ, श्री रामचरणदास जी महाराज जी वाली पीठ, और रैण पीठ, ये दो पीठ रेवासा धाम से ही निर्गत है। और आज श्री माधवदास मैदानी जी के महंत जी आए थे, आज माधवदास मैदानी जी जिनके खेड़ापा और सिंथल ये सब जिनकी परंपरा में हुई, वो गलता से हैं, वो अग्रजी महाराज के गुरु भाई हैं श्री माधवदास मैदानी जी, वो अग्र स्वामी जी के, तो वो गलता जी से है। वो गलता और अग्रपीठ दो नहीं है, गलता और अग्रपीठ दोनों एक ही है। पयहारी जी महाराज ने स्थापित किया गलता को, और अपने ज्येष्ठ शिष्य श्री कीलजी महाराज को अभिषिक्त किया। पर कीलजी महायोगी हैं, कीलजी तो सदा समाधि में रहते थे। कार्यवाहक आचार्य चरण तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ही थे, इसलिए प्रियादासी कहते कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। नाभा जी के लिए कहा कि भाई आप बड़े गुरु भाई हो, आप मंत्र दे दो। अरे बोले ये बालक है, बालक की तो शिक्षा दीक्षा संरक्षण बहुत आवश्यक है, और हम तो 6-6 महीने तक समाधि में ही बैठे रह जाते हैं, तो बालक का संरक्षण मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको शिक्षा नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मेरी आज्ञा है तुम इस बालक को मंत्र सुनाओ। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनाए, और वह अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने गुरुदेव के प्रधान से बिठाकुर श्री जानकी नाथ जी और नृसिंह सालिग्राम जी, ये दोनों निधियां श्री पयहारी जी महाराज ने अग्रदेवाचार्य जी को ही प्रदान की, और यहां आकर आपने जानकी नाथ जी को, शालिग्राम जी को, नृसिंह भगवान को विराजमान किया। तो गुरु जी की संपूर्ण जो आध्यात्मिक निधि है उत्तराधिकारी उसको, इसलिए नाभा जी ने महाराज जी लिखा है श्री कृष्ण दास कृपा करि भक्ति दत्त मन बच क्रम करि अटल दयो श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं वितर। इसलिए गलता और रेवासा दो नहीं है, एक ही। भगवान नृसिंह कृपा करें, जानकी नाथ कृपा करें, पुनः गलता अपने गरिमामय अतीत के गौरव को प्राप्त करे, फिर से सैकड़ों संत वहां विराजे, उनकी जूठन गिरे, और फिर से रामानंद संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का ध्वज पूरी धरती पर फहरावे, ऐसी जानकी नाथ जी के चरणों में प्रार्थना है। आज मेरे मन में एक बात आई, मैं अभी किसी से कहा नहीं, लेकिन वैसे सबके बीच में कहने की नहीं है, पर जानकी नाथ जी हैं, आप सब बैठे हैं, कह देते हैं। हमारे मन में आया कि सभी पूज्य संत रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए, जानकी नाथ जी को दंडवत करने के लिए, और परम पूज्य श्री रेवासा महाराज को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। क्यों ना समय निकालकर एक ऐसा अभिलेख तैयार किया जाए, उस पर सब महापुरुषों के हस्ताक्षर हो जाएं, और उसको हम प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया सब जगह भेजें, सब जगह करें, कि जिसमें इसका समाधान। आज मेरे मन में ये भाव आया, जिस समय भगवान का दर्शन कर रहे थे उसी समय मन में ये भाव आया कि फिर ऐसे इतने संत एक साथ इकट्ठे होंगे नहीं, होंगे क्या इतने संत एक साथ इकट्ठे होंगे, अब कैसे आप लोग करते हैं, मन में भाव आया। आप लोग सब सावधान होकर के उसके लिए पहले ही एक पूरा उसका अभिलेख तैयार कर लिया जाए, और फिर मुख्य मुख्य आचार्यों के हस्ताक्षर हो जाएं, जो कुछ बाकी रह जाएंगे उनके आगे पीछे हो जाएंगे, और फिर इसके बाद उसको सर्वसम्मति से संपूर्ण भेष भगवान ये निर्णय करें कि
एक प्रकार से तो सफलता हो गई, क्योंकि जो अनधिकृत लोग थे वे बाहर हो गए। इतनी दया जरूर कर दी है, और इतनी दया तो होनी भी चाहिए कि भाई तुम बेघर मत हो, जहां रह रहे वहां रहो, वहीं तक सीमित रहो। लेकिन अब भगवान की सेवा पूजा अपने ढंग से होगी, पर पूर्ण गौरव तब वापस आएगा जब पुनः विरक्त परंपरा, श्री रामानंदीय विरक्त परंपरा का ध्वज फिर से लहराएगा, तब उसका बढ़िया होगा। तो ये काम भगवत कृपा से होना चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।